जौनपुर और वाराणसी सीमा से सटे बनारस के करकियाओं गांव निवासी अखिलेश विश्वकर्मा ने बताया कि 2022 में कतर के सूक वाकिफ के एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहां पर इटली की विदेशी युवती तानिया पब्लिको से परिचय हुआ, जो बाद में नजदीकी मित्र बन गई। तमाम मुलाकात हुई, दोस्ती परवान चढ़ी, फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। फिर हम दोनों एक तीसरे देश में जाकर शादी करने का निर्णय लिया। इसके बाद इसी साल 1 मार्च 2023 को हम दोनों ने अपने मित्रों की मौजूदगी में यूरोप जाकर जॉर्जिया देश की राजधानी तिबलिस में वहां के कानून के मुताबिक कोर्ट मैरिज कर ली। अखिलेश ने बताया कि जब मेरी पहली मुलाकात तानिया पब्लिको से हुई थी तो वह कतर के एक विद्यालय में इंग्लिश टीचर थी। आज भी वह वहीं पर नौकरी कर रही है। उसकी इच्छा मेरी जन्मस्थली काशी देखने की थी। फिर उसका एंट्री वीजा बनवाया गया। फिर हम लोग अपने देश और अपने गांव आ गए। गांव और यहाँ के लोगों का रहन सहन इटली की तानिया को बहुत भा रहा है। वे चाहती है कि उसे भारत की जल्दी नागरिकता मिल जाए। इसके लिए करीब 2 साल बाद तानिया का OCI कार्ड बनेगा। वोट देने का अधिकार छोड़कर एक भारतीय होने का सारा अधिकार उसको मिल जाएगा। अखिलेश ने कहा कि तानिया को यहाँ घुमाने के बाद हम दोनों का अपनी नौकरी पर 1 हफ्ता बाद वापस कतर लौट जाना है। तानिया ने बताया कि उसका जन्म इटली में हुआ था और शिक्षा फिलीपींस में हुई है। उसका पूरा परिवार अमेरिका में रहता है। तानिया ने कहा कि भारतीय भोजन अच्छा लग रहा है, विशेषकर पति अखिलेश विश्वकर्मा के हाथ की बनी चिकन कड़ी, राइस और पराठा खूब पसंद है। उधर अखिलेश का विदेशी महिला से शादी कर उसे यहाँ करकियाओं गांव में घर पर लाने से पूरा परिवार खुश है। पिता सुभाष विश्वकर्मा, माता संगीता, भाई उमेश और प्रतीक सभी खुश हैं। इस खुशी में शनिवार को रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदार, मित्र और गांव के लोग शामिल होकर नव वर वधू को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक ही समुद्र पार है, कतर में रहते हैं हम दोनों, ठीक है। तो मैं वहाँ 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं केबिन क्रू हूँ और मेरी बीवी वहाँ पे टीचर है। तो मिल गए थे, शादी कर लिए जॉर्जिया जाके। हाँ जो फिर मम्मी बोली घर पे भी आके शादी कर लो, तो आना पड़ा, कर लिए। शादी तो हो ही गई पहले, अभी भी कर लिए। हाँ यही है। कैसे मुलाकात हुई, क्या था? दोस्त के थ्रू है ना, हम लोग मिले थे बर्थडे पार्टी में, है ना। मेरे दोस्त की पार्टी थी और वो जो दोस्त था वो इसका भी दोस्त है ना। तो हम गए थे, मिल गए, मुलाकात हुई, फिर बातचीत स्टार्ट हुई, फिर हो गया प्यार, हो गई शादी, है ना। हम गए थे 2016 में। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या आपने की, किस काम के लिए? मैं HM किया। HM करने के बाद मैं जॉब किया इंडिया में 1 साल, फिर कतर चला गया। तो कौन से ईयर में आप लोग की मुलाकात हुई थी? मिले थे 2022 में, है ना, और 2023 में शादी हो गई। मतलब इसी साल 2023? हाँ हाँ हाँ, अभी शादी के मार्च में हम लोग शादी के हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में सिविल मैरिज, है ना, सिविल मैरिज किए हैं। और ये तो ऐसे ही मतलब मम्मी के लिए यहाँ पे कर लिए, तो मीडिया पुलिस सब आ गए। परिवार का क्या रिएक्शन है, फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले मेरे बहुत ही अच्छे हैं, पता है। तो मैं मम्मी पापा को बस बोला था कि ये लड़की है, मैं शादी करूँगा। बहुत ही अच्छे, मतलब पूरे ओपन माइंडेड, है ना। मेरे पापा भी रहे हैं विदेश में पहले, तो मम्मी बस वही बोल रही थी कि कैसे लैंग्वेज का बैरियर है। हम बोले कि ठीक है, उसको 4-5 लैंग्वेज आता है, एक लैंग्वेज और सीख लेगी, है ना, सीख लेगी हिंदी, तो लैंग्वेज का भी इशू नहीं रहेगा। वैसे मेरे घर पे सब इंग्लिश बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बस मम्मी नहीं बोलती है और भाभी नहीं बोलती, बाकी सारे लोग तो बोलते हैं, भैया, भाई और बहन सब, है ना।